उज्जैन में 15 फरवरी को प्रॉपर्टी ब्रोकर की हुई सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने वारदात के 8वें दिन कर दिया। पुलिस का दावा है कि अप्राकृतिक संबंधों को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या के गिरफ्तार आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि उसके पास हत्या के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगर वह प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या नहीं करता तो वह उसकी हत्या कर देता। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर देने की अदालत से अर्जी लगाई गई है। हत्याकांड के खुलासे के लिए CSP वंदना चौहान के नेतृत्व में पुलिस और साइबर सेल को लगाया गया था। एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था, उसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। और जो पूछताछ हुई है उसमें महत्वपूर्ण बात है कि आरोपी को मृतक के द्वारा पैसे देने के बहाने बुलाया गया, और पैसे देने के बहाने जब बुलाया गया तो दोनों ही आपस में घर पर मिले। घर के बाद में एक जो एक्सिस नाम की जो गाड़ी है TVS, उसके माध्यम से दोनों ही आरोपी और मृतक एक साथ घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पूर्व में भी आरोपी और मृतक दो बार जा चुके थे, मतलब आरोपी भी उस घटनास्थल को जानता था, क्योंकि वो जो घर था जिसको मृतक ने उपयोग किया था, वहाँ पर मृतक उस घर को बेचना चाहता था और उसमें एक ब्रोकर के रूप में काम भी करता था। और बाद में इसको घर में अंदर गए, घर में जब अंदर जाने के पश्चात मृतक के द्वारा आरोपी से चाकू की नोक पर कपड़े उतारने को कहा गया और उससे अननेचुरल सेक्स करने के लिए अटेम्प्ट किया गया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और इसी को लेकर के आरोपी के द्वारा उसको चाकू मार दिए गए, जिसमें जो मृतक की मौत हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के वक्त में जो आरोपी कपड़े पहने हुए था, जो चाकू था, उनको जब्त किया गया है। आरोपी पूरे घटनास्थल को चाबी लॉक करके भाग गया था। वो जो चाबी है उसने एक जगह उसको फेंका था, वो चाबी को भी ओरिजिनल चाबी को बरामद किया गया है। इसके अलावा उसने कुछ फुटेज और वीडियो भी बनाए थे मृतक के द्वारा आरोपी के, और उसको मोबाइल में रखा था। तो आरोपी के द्वारा दोनों ही जो मृतक के मोबाइल थे, उन मोबाइलों को जो दो तालाब है उसमें फेंका गया है। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल सिंह का खून से लथपथ नग्न अवस्था में शव 15 फरवरी को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अभिषेक नगर स्थित एक मकान में मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, उज्जैन। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।